आज 1 अगस्त है और आज के दिन को वर्ल्ड लंग कैंसर के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूक कराना होता है और साथ ही उन आदतों और कारणों के बारे में बताना होता है जो इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। उसी सिलसिले में आज पावर ऑफ वन न्यूज के संवाददाता ने खास मुलाकात की है डॉक्टर सुशील मंधानिया से। उनसे मिलकर हमने जाना कि इस बीमारी के लक्षण और कारण क्या होते हैं, उनके साथ साथ इस बीमारी का सही इलाज क्या है। आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर सुशील मंधानिया का। ये जो लंग कैंसर है, इनके लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण जो हम कहते हैं? सर्वप्रथम जो लंग कैंसर डे है और इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम लंग कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करें, इसके प्रति जो मिथ्स है, भ्रांतियाँ है, मिसकंसेप्शन है, उसको दूर करें और पेशेंट को अवेयरनेस लाए ताकि वो जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ सके। कफ, खांसी, ड्राई कफ रहते हैं या खांसी होती है जो कि लंबे अंतराल में होती है, जैसे 20 दिन, एक महीना, डेढ़ महीने से कंटिन्यूस खांसी चल रही है, बलगम में से खून आना, छाती में एक तरह का भारीपन बना रहना या फिर एकदम से खकार आते रहना, वेट लॉस होना, वजन कम होना, भूख कम लगना, कभी कभी जब बीमारी फैल जाती है ना तो हड्डियों में दर्द होना, क्योंकि जब बोन मेट्स हो जाते हैं या तो फिर ब्रेन में चल जाती है तो कई बार झटके के साथ में भी प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अ सिम्टम बिकॉज ऑफ द मेट्स। ये जो लंग कैंसर है ये कितना घातक साबित हो सकता है अगर इसका सही समय पे इलाज ना हो? देखिए मैडम, जो हमारे, मैं खुद का डेटा बताता हूँ, हम लंग कैंसर रजिस्ट्री रखते थे जो टाटा हॉस्पिटल के साथ में हमारा कोलाबोरेशन था, तो उस समय हमारे जो 200 पेशेंट्स, हमने जो पहले 200 पेशेंट का हमने डेटा देखा था उसमें सिर्फ 3 ही पेशेंट थे जिसको हम सर्जरी कर पाए, दैट मीन्स आउट ऑफ 200 पेशेंट ओनली 3 वेयर ऑपरेबल। तो इसका मतलब है कि आप नियरली 98% वेयर आइदर वेरी एडवांस और देवर स्टेज 4, तो इतना डेंजरस बीमारी बिकॉज ये बहुत लेट पता चलता है इसमें और डायग्नोसिस काफ़ी लेट होने के कारण इसकी क्योर की संभावना भी कम हो जाती है। सर, कहीं ना कहीं आज भी लोग अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से, तो कहाँ गलत हो जाते हैं इलाज के लिए? देखिए, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों में, मैं तो कैंसर में 20 साल से ऊपर हो गए, मैंने देखा है कि लंग कैंसर में ज़्यादा करके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल खांसी, नॉर्मल कफ, ब्रोंकाइटिस या टीबी जैसे सिम्टम्स को ओवरलैप करते हैं। तो मैंने देखा कई बार या तो सादी खांसी के हिसाब से इन्फेक्शन, छाती का इन्फेक्शन, छाती का निमोनिया या टीबी की दवाइयाँ चलती 6-6 महीने, तो इस कारण से मैंने देखा कि डायग्नोसिस में डिले होता है। और यहाँ मेजर गलती मैंने देखी है कि जब छाती में आपको गांठ दिख रही है या मीडियास्टिनम में लिम्फ नोड दिख रहे हैं या आपको छाती में पानी दिख रहा है, तो यहाँ गलती हमारी ये हो जाती है कि हम उसको बायोप्सी या उसकी साइटोलॉजी या उसको जांच के लिए नहीं भेज पाते, और जब जांच के लिए भेजते भी हैं तो उसमें कई बार टीबी की जांच जरूर कर लेते हैं पर साइटोलॉजी में मैलिग्नेंट सेल्स की जांच या साइटोलॉजी में सेल ब्लॉक ये नहीं करते, इसके कारण कई बार डायग्नोसिस मिस हो जाता है। इस लंग कैंसर के प्रति कुछ नया ट्रीटमेंट आया है? टेरिफिक, मुझे आप अगर बोलोगे कि अगर कैंसर में अगर कौन सा ऐसा बीमारी जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे नोवल चीज़ है तो वही लंग कैंसर। आज से अगर आप 10 साल पहले बोलोगे लंग कैंसर में स्टेज 4 में कीमो किसी और कोई ऑप्शन ही नहीं थे आपके पास, बट दे वर वेरी डेंजरस, वेरी टॉक्सिक कीमोथेरेपी और लाइफ वॉज 9 months, 12 months फॉर स्टेज 4। पर अभी हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हम डायग्नोसिस जब करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई कौन सा टाइप है, उसमें उसका ड्राइविंग म्यूटेशंस क्या है, उसके हिसाब से हर म्यूटेशन के हिसाब से हर दवा है। और ये दिस आर ऑल ओरल ड्रग्स, टैबलेट्स है। और आप देखोगे कि कई बार जो पेशेंट स्टेज 4 के जब गोलियां लेते हैं तो विद इन 1 month, 2 months कंप्लीट रिस्पॉन्स, प्योर 100% क्योर जैसा हो जाता है उनमें। ये भी ऊपर कुछ आया है जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, ये आपकी शरीर की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना देती है कि वही कैंसर के सेल्स को जाके किल करती है। दिस इज जस्ट ए बेसिक आइडिया, उसका कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट अलग है, पर ये समझना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा एडवांस है जो कि इतनी भयानक बीमारी जिसके इतने स्ट्रांग कैंसर के डेथ थे वो बहुत ड्रामेटिकली कम हो गया। सबसे बड़ी बात, लाइफ स्पैन 4-5 साल, 5-5 साल कभी स्टेज 4 में आपने सुना भी नहीं होगा वो हम देख रहे हैं। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, साइड इफेक्ट 0, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज फंटेस्टिक। आप पता भी नहीं कर पाओगे कि यही कैंसर का मरीज है कि ये नॉर्मल मरीज। जो चीज़ खराब है जिससे आपको पता है इसमें नुकसान हो रहा है, ऐसी चीज़ को हाथ क्यों लगा रहे हैं? दुनिया में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। गॉड हैज गिवन यू लाइफ एंड एंजॉय इट, एंड ये एक ही बार मिलने वाला है, दोबारा भी। धन्यवाद। आप सभी ने सुना कि काफ़ी अच्छा मैसेज डॉक्टर सुशील मंधानिया जी ने दिया है। होप्स हो कि आप समझ चुके हो, क्योंकि जब हम स्मोकिंग करने की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है धूम्रपान काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है,
लेकिन फिर भी हम उस खतरे को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात होती है, ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है। होप सो कि आज हमारा ये सेगमेंट आप सभी को पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पावर ऑफ वन न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।